कुंद कुंदाचार्य अपने दिगंबरों के सबसे बड़े आचार्य हैं। ये आप जानते होंगे कि हमारे मंदिरों में जिनेंद्र भगवान की जो मूर्तियां विराजमान हैं, यदि हम कहें कि उनमें ऋषभ देव की मूर्तियां कितनी होंगी, धर्मनाथ की कितनी होंगी, तो अपन मोटा मोटा हिसाब लगाएं कि 24 मूर्तियां होंगी तो एक धर्मनाथ की होगी, 23 दूसरी होंगी ना 24 ही में। लेकिन हर मूर्ति पर आचार्य कुंद कुंद का नाम अवश्य लिखा होगा, पढ़ लेना उसमें। यानी हमारे कुंद कुंद आचार्य इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनका नाम लिख दिया तो ये मूर्ति दिगंबर मूर्ति है, ये बात असहज ही सिद्ध हो जाती है। महावीर की मूर्ति को हम दिगंबर मूर्ति सिद्ध करना चाहें तो कदाचित पसीना छूटे अदालत में प्रमाण पेश करते करते, लेकिन वो कुंद कुंद का नाम लिखा है तो सब जानते हैं कि ये दिगंबर मूर्ति है। हम जब मंगलाचरण करते हैं तो उसमें बोलते हैं मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। भगवान महावीर के बाद गौतम गणधर का स्मरण किया और गौतम गणधर के बाद सीधे आचार्य कुंद कुंद का स्मरण किया और उसके बाद किसी का नहीं किया, है ना। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी और मंगलम कुंद कुंदाद्यो, कुंद कुंद आदि। तो बाकी को सबको आदि में ले लिया, कुंद कुंद से लेके अब तक जितने भी आचार्य हुए हैं उन सब आचार्यों को आदि में ले लिया और कुंद कुंद का नाम उल्लेख पूर्वक उनका नाम कहकर उन्हें याद किया। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि जैन दिगंबर परंपरा में आचार्य कुंद कुंद का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। आचार्य कुंद कुंद के 5 परमागम ग्रंथ हैं, इसमें समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकार, नियम सार और अष्टपावड़ है।